श्री जगदम्बिका पाल जी। अध्यक्ष महोदया, अधिष्ठाता महोदया, आपने माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा जो दुनिया की चिंता उन्होंने व्यक्त की, चाहे वो क्लाइमेट चेंजेस की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो या कार्बन इमिशन की बात हो, आज पूरी दुनिया की चिंता में भारत के उस पहल को जिस तरह से अपने बिल को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति की है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूँ। स्वाभाविक है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले जब दुनिया के देश के लोग मिलते थे तो हम बैकफुट पे रहते थे और आज वो डिफेंसिव मोड पे है, और जिस तरह से उन्होंने विस्तार से कहा है तो मुझे लगता है कि इस बिल का सर्वसम्मत से समर्थन करेंगे लोग। आखिर इस बिल को अमेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी? जो बिल हम लोगों ने 2002 में तैयार किया, इसका अमेंडमेंट इसके पहले 2010 में हुआ, और 2010 में पहली बार जिस तरह से हुआ कि हम एनर्जी के कंजम्पशन को, उसके नाम्स को, इंडस्ट्रीज को एक करेंगे, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में बढ़ते हुए उस कार्बन एमिशन या उत्सर्जन की बात जो हुई, क्लाइमेट चेंजेस की बात हुई, जिस पेरिस समझौते का उल्लेख किया, ग्लासगो के समझौते का, ग्लासगो की कॉन्फ्रेंस का, COP26 का उल्लेख किया, तो स्वाभाविक है कि उस चिंता के कारण आज भारत की लोकसभा में इस एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल को माननीय मंत्री जी लेकर के आए हैं, और आज उसमें हमारी दुनिया से, दूसरे देशों से अच्छी पहल है, और इस अमेंडमेंट के माध्यम से न केवल हम आने वाले दिनों में, जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ग्लासगो में 5 मेजर स्टेप, जिसको पंचामृत भी कहते हैं, उस पंचामृत को जो उन्होंने कहा है, तो केवल ग्लासगो के सम्मेलन में उन्होंने भारत की तरफ से एक वायदा नहीं किया, भारत की भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं किया या भारत के कमिटमेंट को नहीं दर्शाया, बल्कि उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज भारत की सदन में एक अमेंडमेंट बिल लेकर के आए हैं। मैं इसलिए बधाई देता हूं अपनी ऊर्जा मंत्री जी को और अपनी सरकार को। और जिस तरह से, ऐसा नहीं है कि आज इस क्लाइमेट चेंजेज के पीछे जो कार्बन इमर्सन है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन USA में हुआ या दुनिया के मुल्क में, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन स्वाभाविक है कि आज अगर दुनिया में परसेंटेज देखा जाए कार्बन इमर्सन में, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। अगर उसके लिए जिम्मेदार है तो आज भी USA है, क्योंकि USA का आज भी योगदान 25% है, यूरोपियन यूनियन के जो 19 कंट्रीज हैं उनका करीब 22% है, चाइना का आज भी 13% है और भारत का केवल 3% है। इसके बावजूद भी पूरी दुनिया के इस क्लाइमेट चेंजेस के, ग्लोबल वार्मिंग की, कि 1.5% से ज़्यादा ग्लोबल टेम्परेचर न बढ़ने पाए, इसकी प्रतिबद्धता जो पहले दुनिया के नेताओं को होती थी, आज वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, तो स्वाभाविक है ये विश्व के कल्याण के लिए। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये USA की रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कि 1850 से लेकर 2019 तक भारत में कार्बन इमर्सन 4% से ऊपर कभी नहीं हुआ, और वहीं यूरोपियन यूनियन का देखिए, USA का देखिए, जैसा मैंने कहा 25%, 22%, 13%। और राज्यसभा में भी जवाब देते हुए माननीय मंत्री जी ने 29 जुलाई को कहा था कि हमारा ये है, तो आज हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो अमेरिका की होनी चाहिए थी, आज हमसे ज्यादा जिम्मेदारी तो यूरोपियन यूनियन की होनी चाहिए थी, चाइना की होनी चाहिए थी। लेकिन याद करिए, 4 नवंबर को पेरिस के समझौते से तत्कालीन राष्ट्रपति USA के डोनाल्ड ट्रंप जी अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि उनको लगा कि दुनिया के इस कार्बन एमिशन के या इस क्लाइमेट चेंजेस के लिए शायद उन देशों पे खर्चा हमारा देश क्यों बहन करे। उन्हें दुनिया की मानवता की चिंता नहीं थी, उन्हें चिंता थी कि शायद अमेरिका के एक शिखर पे इसका बोझ पड़ेगा दुनिया में। उस समय वो उस समझौते से उन्होंने अपने को, 4 नवंबर 2019 का दिन है जिसपे दुनिया को अलग किया। दुनिया में क्या संदेश गया कि क्लाइमेट चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग या कार्बन इमर्सन को लेकर के दुनिया के उस सम्मेलन में अमेरिका अलग हो गया, दुनिया के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा होगा,
उस समय उस समझौते की पहल, उस समझौते के साथ स्टैंड, जब एक तरफ अमेरिका अलग हो रहा था तो उस 4 नवंबर 2019 को ग्लासगो में भारत के प्रधानमंत्री ने स्टैंड लिया कि इस अभियान को हम बढ़ाएंगे, दुनिया से कार्बन उत्सर्जन को हम जीरो करेंगे, हमने 2070 तक अपना रखा भी टारगेट, 2030 तक भी रखा माननीय मंत्री जी ने जैसा कहा। और आज डोनाल्ड ट्रंप अलग हो गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अलग होने के बाद जो अभियान, जो स्टैंड भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था और जिसके साथ पूरी दुनिया की चिंता थी और दुनिया के लोग जुड़े थे, आज फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ग्लासगो की कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, ये भारत की जीत है और भारत का एक दुनिया को संदेश है। तो इस तरीके से आज जिस तरीके से आज मोदी जी चिंता कर रहे हैं, और जिस तरीके से मैंने कहा कि COP26 में उन्होंने कहा कि हम पंचामृत या 5 स्टेप जो हम लेंगे, उस 5 स्टेप्स के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण जो कहा वो COP26 में, उसमें सबसे पहले कहा कि हम क्लाइमेट चेंजेज को कम्बैट करने के लिए, क्लाइमेट चेंजेज को ठीक करने के लिए, समन्वय करने के लिए, क्लाइमेट चेंजेज कब ठीक होगा, जो आज क्लाइमेट में चेंजेज आ रहा है, जब कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है दुनिया में, उस कार्बन के उत्सर्जन से उसका असर क्लाइमेट पे पड़ता है, ये इंटरलिंक्ड है, और उस नाते क्लाइमेट चेंजेज हो रहे हैं, चाहे बारिश के समय बारिश नहीं, कहीं सूखा, कहीं गर्मी के समय बारिश, इस तरीके से हो रहा है। तो उसमें 5 चीज़ें उन्होंने तय किया। मुझे लगता है कि जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम आत्मनिर्भर भी हैं, और लेकिन इसके आगे भी हमारा कमिटमेंट है कि जहाँ तक उन्होंने बार बार कहा, भारत की ये प्रतिबद्धता है कि आने वाले दिनों में हमने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन से या थर्मल या कोल की एनर्जी से हमने रिन्यूएबल एनर्जी को स्विच ओवर किया, जहां पहले 175 गीगावाट भारत का लक्ष्य था बिजली प्राप्त करने का कि हम 175 गीगावाट बिजली बनाएंगे, आज वही हमारी सरकार ने नॉन फॉसिल जैसा मंत्री जी ने व्याख्या किया है कि चाहे सोलर हो, चाहे विंड हो या हाइड्रो हो, या इससे रिन्यूएबल एनर्जी से, हम रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट को हम हासिल करेंगे और उत्पादन करेंगे, ये भारत का संकल्प है। और ये हम संकल्प करके आए हैं, प्रधानमंत्री ने उस दिशा में हमने आज जो लक्ष्य रखा था उसमें हमने हासिल भी किया है। 175 गीगावाट का लक्ष्य आपने 2022 तक का रखा था रिन्यूएबल एनर्जी में, मैं बधाई देता हूं कि 114 गीगावाट की प्राप्ति हमारी सरकार ने कर लिया रिन्यूएबल एनर्जी से, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रतिबद्धता आज हमारी सरकार या प्रधानमंत्री अपने उस COP26 में करके आए थे, उस दिशा में कि हम 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी, मतलब जो ग्रीन एनर्जी होगी, क्लीन एनर्जी होगी, या जिस तरीके से एक फ्री होगी, उस रिन्यूएबल एनर्जी में हम 500 गीगावाट करेंगे। और आने वाले दिनों में जो 2030 तक का ये संकल्प है, नहीं उस दिशा में बढ़ रहे हैं, आपको अभी तो आप सुनिए ना, प्रारंभ हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी में 2030 तक हम 50% अपने देश की एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी पे लेकर के जाएंगे। और 2030 तक का ये हमारा संकल्प है कि 1 बिलियन टन्स हम कार्बन इमिशन को कम करेंगे, और 2070 तक ये संकल्प है कि 0 कार्बन इमर्सन इस भारत होगा, तो दुनिया के लिए अपने आप में एक संदेश होगा। कार्बन की इंटेंसिटी, सौगत दादा तो आते हैं ब्रीफिंग में, आज आए नहीं, कार्बन इंटेंसिटी की मैंने वैल्यू भी आज सुबह पूछा कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज उस कार्बन इंटेंसिटी की या कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने के लिए भी हमने संकल्प लिया है कि 45% हम उसको कम करेंगे, जिससे तो ये हमने इस तरह से एक 5 जो मेजर स्टेप्स हैं, वो 5 मेजर स्टेप्स हमने किए, क्योंकि ये दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने दुनिया को कहा, आप देखिए जब हमारी सरकार आई तो हमने 1 नेशन 1 ग्रिड की बात कही, और आज दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मैम पूरी दुनिया की बिजली की चिंता, एनर्जी की चिंता, नॉन फॉसिल एनर्जी की चिंता या क्लीन एनर्जी की चिंता, या हम आज 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड अगर नारा दिया है जिसको साकार करने का काम कर रहे हैं, वो भी हमारी सरकार कर रही, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर, हम सिंगापुर तक लाइन बनाने जा रहे हैं,
दादा सिंगापुर तक लाइन बनाने जा रहे हो, हम केवल वन सन की, पूरे दुनिया में एक सूर्य है, दुनिया मतलब एक विश्व पूरा एक देश है, एक परिवार है और एक ग्रिड है। आप सोचिए, इसी हाउस में दादा भी थे, हम भी थे, ग्रिड फेल हो जाते थे इसी आगरा के पास, पूरा पूरा कई राज्य अंधकार में डूब जाता था, भारत में वन ग्रिड नहीं था। अभी मंत्री जी अपने उत्तर में खुद ही माननीय मंत्री जी इसका उल्लेख करें। तो इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम ग्रीन बिल्डिंग करेंगे, कार्बन मार्केट की बात कही उन्होंने, फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस करने की बात कही, आज भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी सबसे पहल किया। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि आज जिस प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने एक पहल किया कि पूरी दुनिया का एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, आज हमारे साथ दुनिया के 107 देश उसके सिग्नेटरीज हैं और 107 लोग उस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हैं। तो इस तरीके से आज हम कर रहे हैं, सरकार के निर्णय इस दिशा में करने के लिए कि हम इन संकल्पों को पूरा कैसे करेंगे, इसके हमने लिए कदम उठाए। आज 2022-23 में के बजट में, क्योंकि हम अभी भी सोलर में ज़्यादातर चीज़ें बाहर से मंगा रहे हैं, इस बार हमने 22-23 के बजट में अधिष्ठाता महोदया 19,500 करोड़ का प्रावधान इसलिए किया है कि जो हमारे डोमेस्टिक सोलर की रिक्वायरमेंट्स है उसके उत्पादन के लिए, उसके क्योंकि आज भी हम चाहे फोटोवोल्टिक हो, चाहे और चीज़ें हो, सारी चीज़ें हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो इसलिए उस चीज़ के लिए हमने प्रावधान किया है कि हम खुद डोमेस्टिक इसका उत्पादन करेंगे और इसके लिए हमने प्रावधान भी किया है 19,500 करोड़ का। आज ये जो हम इस संविधान को, या एक हम कहते हैं वन नेशन वन ग्रिड की बात, और आज वन सन वन वर्ल्ड ऑन ग्रीन की बात करते हैं, उसमें आज ग्रीन एनर्जी पाने के लिए, चाहे वो सोलर एनर्जी हो चाहे विंड एनर्जी हो, इस बिल को हम क्यों अमेंड कर रहे हैं। इस बिल के अमेंड करने के लिए पीछे हमारी ये है कि आज कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट में भी, क्योंकि वहाँ भी कार्बन इमर्सन होता है, तो क्लीन ट्रांसपोर्ट हो, या स्टेबल जो बर्निंग की बात है, या ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने की बात है जिससे कि हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें और उससे फिर हम कैपिटल तैयार कर सकें। इसी तरीके से ये गवर्नमेंट के निर्णय है और गवर्नमेंट ने उपाय शुरू कर दिए कि हम इस देश में 50 सोलर पार्क की स्थापना करेंगे और उस 50 सोलर पार्क से रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी बढ़ेगी वो 40 मेगा हजार वाट बढ़ेगी एक साथ, जो हमने तय किया है कि किस तरीके से हम 500 गीगावाट को हम प्राप्त करेंगे, उस दिशा में 50 सोलर पार्क हमने स्थापित करने का फैसला किया। और आज हम कहना चाहते हैं, जैसा मैंने उल्लेख किया था कि आज उस तेजी से जिस तरीके से 114 गीगावाट को हमने इंस्टॉल कर लिया, आज उस दिशा में चाहे रूफटॉप सोलर प्रोग्राम हो, उसमें भी हमने 4000 मेगावाट का टारगेट रखा है कि 4000 मेगावाट का लक्ष्य पूरा करेंगे। और एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, पूरी दुनिया के लिए वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उस गोल में जो 11 में है, इस रिन्यूएबल एनर्जी से हम 9 इश्यूज को हम एड्रेस करने जा रहे हैं। तो इससे साफ है कि आज भारत जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में क्रांति कर रहा है, उस नाते आज इस बिल को जिस तरीके से हम अमेंड कर रहे हैं उसके पीछे यही मंशा है। ग्रीन बिल्डिंग का जो तात्पर्य है, जैसा हमने कहा कि एनवायरनमेंट पे, माननीय मंत्री जी ने कहा कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो और उसकी जो रूफ टॉप पे होगा या उस पर सोलर एनर्जी से या इन चीज़ों से होगा, तो इसलिए कहना चाहते हैं कि आज जो हमने तय किया कि इस बिल से हम एक स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड भी बनाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक है कि जब तक हम एक प्रमोशन करना चाहते हैं या रिन्यूएबल एनर्जी को हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं विद इन द स्टेट ऑल्सो, तो वो हम एक स्टेट एनर्जी के कंजर्वेशन फंड का भी निर्माण करेंगे। और ये जो बिल आ रहा है अमेंडमेंट, ये जो स्कोप ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन है, चाहे वो बिल्डिंग कोड हो, चाहे अमेंडमेंट ऑफ पेनल्टी प्रोविजंस हो, चाहे इम्पावर ऑफ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हो, या चाहे और रेगुलेशंस बनाने की बात हो,
ये सारी चीजों को पूरा करेगा। और इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से इस अमेंडमेंट में खासतौर से ग्रीन बिल्डिंग की बात कही गई कि ग्रीन बिल्डिंग का मतलब नहीं कि केवल रिड्यूस करेगा या एलिमिनेट करेगा जो निगेटिव इम्पैक्ट्स होगा इन्वायरमेंट पे, वो निगेटिव इम्पैक्ट्स को तो इन्वायरमेंट पे या जो हमारा कार्बन इमर्सन को उसको तो रिड्यूस करेगा ही, लेकिन उससे लेस वाटर एनर्जी या नेचुरल रिसोर्सेज, तो इस तरह से निश्चित तौर से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एट द बिल्डिंग आर सिटी स्केल्स बाई जनरेटिंग देयर ओन एनर्जी आर इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसका मुख्य तात्पर्य है और इसीलिए आज इस दिशा में हम ये काम कर रहे हैं और ये मैंडेटरी होगा। इस बिल में हमने इसको मैंडेटरी किया है कि जो बिल्डिंग्स होगी मिनिमम 100 किलोवाट की लोड की, वो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को रिन्यूअल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पूरा करेंगे। तो स्वाभाविक है कि किस तरह के कदम, शायद ये दूसरे देशों के लिए भी एक रोल मॉडल होगा और निश्चित तौर से उस दिशा में ये आगे बढ़ने का काम होगा। आज क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पे कितना खर्चा हो रहा है, इंडिया इज द थर्ड बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल। जैसा अभी कहा माननीय मंत्री जी ने कि अभी हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो इस हम इंपोर्ट को पब्लिक एक्सचेकर पे कम करना चाहते हैं। 2021 में 62.2 बिलियन US डॉलर हमने खर्च किया, 21-22 में 119.2 बिलियन US डॉलर। आज दुनिया में सबसे सस्ता अगर हम आज भी फ्यूल दे रहे हैं, आज पड़ोस में देख लीजिए श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, US हो, यूरोप हो, तो आखिर ये सरकार इस बात की भी चिंता कर रही कि केवल हम रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए नहीं पैदा कर रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी जहां पैदा कर रहे हैं क्लाइमेट चेंजेज को कम बैक करने के लिए, चाहे कार्बन इमिशन को ख़त्म करने के लिए, उसको जीरो करने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वहीं हम अपने पेट्रोलियम के एक्सचेकर को भी रिड्यूस करना चाहते हैं। और उसके लिए भी जिस तरीके से पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ, PAC के साथ बनाया है वह है, और इसी तरह से क्वांटिटी भी है। मैं उस क्वांटिटी में नहीं जाना चाहता हूं कि 19-20 में हमने 227 मिलियन टन क्रूड ऑयल लिया, 2021 में 196.5 लिया, 2021-22 में 212.2 मिलियन टन क्रूड ऑयल लिया। तो ये इम्पोर्ट 82% है जो हमारी नीड है, और हमने टारगेट किया है, हमारी सरकार ने टारगेट किया है कि 2022 तक हम इसको घटा के 82% पे लेकर के आएंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकल्प है और ये इसी से होगा जब हम इसको रिप्लेस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से या अपने इंडिजीनियस प्रोडक्शन से करेंगे। जहाँ तक कार्बन मार्केट की बात रही, आज कार्बन मार्केट की बात वही है कि जैसे कोई भी इंडस्ट्री अगर कार्बन प्रोड्यूस कर रही है, तो जब कार्बन प्रोड्यूस कर रही है कोई इंडस्ट्री, तो स्वाभाविक है कि वो कार्बन इंडस्ट्री अगर कार्बन को कम करेगी, अपने प्रोडक्शन में कार्बन को जितना रिड्यूस करेगी, उसको कार्बन क्रेडिट मिलेगी। और वही कार्बन क्रेडिट आपके मार्केट में बनेगा जो दुनिया के तमाम बड़े मुल्क हैं उनमें, और उनमें स्थिति है कि कार्बन उस मार्केट से हम लोगों को कम से कम रिड्यूस करने से आने वाले दिनों में 5 से 10 बिलियन डॉलर का फायदा मिलेगा। ये मैं वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो स्वाभाविक है कि जो इस तरीके से हम कर रहे हैं कि आज उस कार्बन मार्केट से आने वाले वक्त में 5 to 10 बिलियन डॉलर्स का भारत को फायदा होगा, तो इसलिए हम इसको गेन करेंगे ओवर अ पीरियड। और इसी तरह से सरकार ने जो और उपाय लिया है, सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी लिया है। उनका एक मुख्य उद्देश्य है कि जो हम सूर्य मित्रा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे ग्रीन जॉब कंट्री में क्रिएट हो, कैसे हम बूस्ट कर सके कि वो ग्रीन जॉब कंट्री में हो। इस तरह के कदम कि किस तरीके की हमारी चिंता है कि जो हमने 5 पंचामृत पे 2030 तक जो जो चीज़ें हमने सेट किया है, उस संकल्प को पूरा करें। आने वाले दिनों में 2070 तक जिस तरीके से हम जीरो कार्बन इमिशन पे आए, उसको हम पूरा करें। तो इसके लिए
हमने जून 2022 तक 51,331 लोगों को ऐसे कैंडिडेट थे जिनको हमने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे करके सूर्यमित्रा प्रोग्राम में उनको बेनिफिटेड किया है, और जो आज उसमें से 26,967 लोग 26,907 नंबर से कैंडिडेट गेन एम्प्लॉयमेंट आल्सो, तो हम इसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं कि वी हैव गिवेन ए ट्रेनिंग 51,331 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइडेड अंडर सूर्यमित्रा प्रोग्राम एंड आउट ऑफ विच 26,967 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स गेन एम्प्लॉयमेंट आल्सो। और ये हम किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हम जो 22 तक का हमारा टारगेट था कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उसको हम अपना अचीव कर सकें, और जैसा मैंने कहा भी कि ये साधारण प्रयास नहीं है कि हम उसमें से 114.07 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम उसको इंस्टॉल कर चुके हैं ये 30/6/22 तक, मतलब हमने जुलाई तक इसको जून तक अचीव कर लिया। और इसी तरीके से जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है इसके अंदर जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट का आरटीडी प्रोग्राम है उसमें जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम एकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, जो एक चिंता है कि हम कैसे रिन्यूएबल एनर्जी कैसे क्लीन एनर्जी करें, ये भी हमने प्रोग्राम तय किया है। और इसीलिए उस हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी के लिए हमने एकेडमिक व्यवस्था भी की है, हमने उसके लिए रिसर्च की भी व्यवस्था की है, ये व्यवस्था आज देश में किया। मैं इसी तरह से रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के फेज टू में जैसा हमने आपसे कहा कि जो सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट है CFA है वो रेजिडेंशियल सेक्टर में जितने हाउस होल्ड्स हैं या रूरल एरियाज में हैं, जो मैंने कहा कि 4000 मेगावाट का एक टारगेट है, उसको लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे। और जैसा हमने कहा कि इसी तरीके से तो आप सोचिए कि पेरिस एग्रीमेंट कब आया, 2015 में, और 2016 में इन्फोर्स हो गया। और जैसा मैंने उल्लेख किया कि 2019 में देश दुनिया के बड़े बड़े जिनको प्रगतिशील बहुत संपन्न देश कहते थे वो उससे अलग हो गए, लेकिन आज अब भारत को केवल अपनी चिंता नहीं है, भारत को केवल अपने साथ साथ दुनिया की चिंता है कि अगर आज दुनिया में जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग, जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेज या जिस तरीके से कार्बन इमर्सन की एक चिंता है जिसके कारण पूरी दुनिया में, चाहे ग्लासगो में हो, COP26 में हो या पेरिस में हो, मैं कह सकता हूं कि अगर आज उसकी कोई अगुवाई कर रहा है तो वो अगुवाई भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उस अचीव को दुनिया में हम प्राप्त करेंगे। इसी के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद श्रीमती।